ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा सा बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था, कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी, कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहां बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है, आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सकें और गांव में आप खुद काम करा सकें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं।